लाला साहब ठाकरे ने डॉटर इन लॉ स्मिता ठाकरे का मनोबल बढ़ाया। स्मिता ठाकरे की फिल्म कैसे कहें कि म्यूजिक लॉन्च पर बाला साहब पहुंचे और उनको देखकर सभी के चेहरे खिल गए। स्मिता ने अपनी इस फिल्म में न्यू कमर्स को लिया है, जबकि इतने फिल्मी रिलेशंस के बावजूद वो किसी भी स्टार को खड़ा कर सकती थी। कारण सिर्फ यही है कि मुझे फिल्म नए लोगों के साथ ही बनानी थी, तो यही एक कारण है। फिल्म के हीरो राजवीर दत्त है और फिल्म की हीरोइन नेहा झुलका। राजवीर को फिल्म कैसे मिली ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। बहुत साल पहले दीदी को मिला था और थ्रू सम कॉमन फ्रेंड, तो मैंने ये इच्छा जाहिर की थी मैं कुछ करना चाहता हूँ, पर दीदी ने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए फिल्म बनाऊँगी, तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम कर सकते हो। सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर हर एंड उन्होंने मुझे बहुत ही इज्जत दी, अपनी फैमिली की तरह रखा। तो धीरे धीरे करते कुछ सालों के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट फिल्म विद यू। फिल्म की एक्ट्रेस नेहा को तो हम पहले कई एडवर्टाइजमेंट्स पे देख चुके हैं, मगर ये फिल्म कैसे मिली? मुझे पता चला कि ये लोग 5-6 महीने से हीरोइन ढूंढ रहे हैं, तो मैंने किसी ने बोला जाओ देख के आओ मिल के आओ, तो बहुत फोर्स किया, मैं चलो जाके देख लेते हैं। और मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया 2 बजे कुछ, और आज तक मुझे नहीं लगता ऐसे हुआ है कि 3 घंटे में किसी को पिक्चर मिल गई हो। वी विश स्मिता ठाकरे ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ फिल्म और हमें यकीन है कि हमें 2 नए स्टार्स मिलने वाले हैं।